ये कहा ना था, बहुत ऊंचा होती है, बड़े बड़े सपने होते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, मतलब मेरा अपना मानना है, आप करोड़पति बन जाइए, अरबपति बन जाइए, IIDM जो भी बिजनेसमैन बन जाइए, लेकिन पहले एक अच्छे इंसान बनिए, है ना। अगर आपके अंदर से इंसानियत चली गई तो आपकी कोई भी डिग्री किसी के भी, ना वो देश के काम आएगी, ना आपके फैमिली के काम आएगी, ना आपके काम आएगी। तो मेरा आज का सब्जेक्ट है बैठे हो और शायद बचपन से लेके माँ बाप के सपने हैं, है ना, कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अपने घर का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। लेकिन अगर मानसिकता आपकी हीन है तो आप कैसे देश का उत्थान कर पाओगे, क्योंकि आप तो एक कहा जाता है ना, एक कोहनूर हीरा हो, है ना। बहुत सारी उम्मीदें हैं माता पिता को, देश को। तो बच्चों जब आप किसी भी, मतलब बचपन से लेके आप बन भी जाते हो, आगे क्षेत्र में जाते हो, जो एक शोषण वर्ड आता है हैरेसमेंट, ये इंसान को मतलब इतना तोड़ देता है कि वो आगे भले ही कर ले, लेकिन फिर गलत उसमें चला जाती है, सोच ही गलत हो जाती है। और कई होते हैं कि इसको मतलब बता भी नहीं पाते अपने मन की बात, आपका शोषण हो भी रहा है और आप उस चीज को अपनी जो भावनाएं हैं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब शोषण भी कई प्रकार, जैसे अभी बड़े कहा छोटे पे बैठक उठक, अरे बैठक नॉर्मल सा है, आपको जो स्पर्श अच्छा लगे, जो टच अच्छा लगे वो गुड है, जो ना अच्छा लगे वो बैड है। लेकिन यहाँ पर जो हम आप लोगों को बताएंगे, जब आप लोग जिस जैसे बचपन से लेके यंग एज में इस समय पहुंच रहे हो, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है, आप लोग की ऐसी सोच होती है कि कोई नहीं, जो आपको अच्छा लगता है। मैंने कहा ना कि ऐसा मतलब आपके पास करियर ऑप्शन है कि जिसमें आपको अच्छा लगे, आप साइंस आर्ट कॉमर्स जो आपको लगता है बेस्ट कर जाएंगे, कोई कुछ नहीं है। आप बीबीए कर लीजिए, आप बीसीए कर लीजिए, मतलब स्नातक हो जाइए, आप बीबीए बीसीए के साथ साथ आप नर्सिंग में बैचलर हो जाइए, बैचलर की जितने डिग्रीज आपको इस हिंदुस्तान में है उनमें कर लीजिए, जिसमें आपका ऑप्शन है। देखिए मैंने कहा ना कि अक्सर आप देखते होंगे IITian आए, वो प्योर टेक्निकल बैकग्राउंड के थे, उन्होंने ऑप्शन रख दिया हिंदी साहित्य,